सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर जिमी। सो गाइस, आज को हम बात करने वाले हैं कि गाइस आप बिना एटीएम कार्ड के अपने फोन पे अकाउंट को आप कैसे बनाएंगे। अगर गाइस आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और आपके मोबाइल नंबर से आपका बैंक अकाउंट लिंक है, तो गाइस आप बिना एटीएम डेबिट कार्ड के अपने फोन पे अकाउंट को आप कैसे बनाएंगे, अपने बैंक अकाउंट को आप कैसे ऐड करेंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ करके बताने वाले हैं, करके दिखाने वाले हैं। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप बिना एटीएम कार्ड के अपने फोन पे अकाउंट को आप कैसे बनाएंगे। तो गाइस अगर आप बिना एटीएम कार्ड के अपने फोन पे अकाउंट को बनाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो आप क्या करना पड़ेगा। गाइस आपको सबसे पहले वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पे फोन पे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, तो आप वहां से फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में आपको सिंपली ओपन पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली गाइस जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करके आप यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद में अब आपके सामने यहाँ पे इंटर योर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। तो आपको अपने जिस मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हैं अपने उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से अपने मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालकर प्रोसीड पे क्लिक करना। तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। अगर गाइस आपको पासवर्ड पता है तो अपना पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आपको यहाँ पे अदर्स लॉग इन ऑप्शन पे क्लिक करना है और गाइस आपको लॉग इन विद ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ से लॉग इन विद ओटीपी पे क्लिक कर देंगे तो गाइस आपके इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओपीटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा जो ओपीटी है यहाँ से ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो चुका है। अब गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसमें अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है, लिंक करना है। तो आप कैसे करेंगे, सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपने प्रोफाइल पर आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद में गाइस आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में अब आपके सामने पे बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो फाइनली गाइस आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन हो रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है ऐड बैंक अकाउंट पे। तो गाइस जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद गाइस अब आपके सामने बहुत सारे बैंक का लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको सर्च बाय बैंक पे क्लिक करना। तो गाइस जैसे आप सर्च बाय बैंक पे क्लिक कर देंगे तो गाइस अब आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा आपका जो बैंक अपने आप फोन पे एप्लीकेशन में ऐड करना चाहते हैं, अपने उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हम क्या करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर टाइप करेंगे। आपको इस तरीके से सर्च करना पड़ेगा, अपने बैंक का नाम आपको लिख करके सर्च कर देना है। तो जैसे अपने बैंक का नाम लिख करके आप इस तरीके से सर्च कर देंगे, उसके बाद में आपको अपने इस बैंक पे क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप अपने इस बैंक पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद में गाइस अब आपके सामने आपका जो मोबाइल नंबर है वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में आपका बैंक अकाउंट इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर चूज ए प्राइमरी अकाउंट, तो गाइस अगर आपके मोबाइल नंबर से दो बैंक अकाउंट लिंक है तो इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। अगर गाइस आपके एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही बैंक अकाउंट लिंक है तो इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको डन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप डन पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे सेट यूपीआई पिन, यू नीड टू यहाँ पे सेट यूपीआई पिन फॉर दिस यहाँ पे बैंक अकाउंट टू मेक पेमेंट्स यहाँ पे थॉट्स यूपीआई, यहाँ पे व्हाट इज द यूपीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच मोनापुर, यहाँ पे नाम दिखाएगा, एफएससी कोड दिखाएगा, यहाँ पे यूपीआई आईडी भी दिखाएगा। उसके बाद में नीचे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सेट यूपीआई पिन का, तो जैसे आप सेट यूपीआई पिन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। डेबिट कार्ड यहाँ पे एटीएम कार्ड डिटेल्स का और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट का लास्ट का 4 अंक और यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर और यहाँ पे लिखा एक्सपायरी डेट। तो कैसे हम आपको बोल रहे हैं कि गाइस अगर आपके पास एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है तो आप अपने फोन पे अकाउंट को आप कैसे बनाएंगे बिना एटीएम डेबिट कार्ड के। तो कैसे अगर आपके पास एटीएम और डेबिट कार्ड नहीं है तो आपको सिंपली यहां से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको डन पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप डन पे क्लिक कर देंगे तो गाइस आपके पेटीएम एप्लीकेशन, तो गाइस आपके फोन पे एप्लीकेशन में आपका जो बैंक अकाउंट है लिंक हो चुका है, ऐड हो चुका है। पे देख सकते हैं मेरा जो बैंक अकाउंट है इसमें लिंक हो चुका है, ऐड हो चुका है, लेकिन गाइस इसका एटीएम कार्ड नहीं है। पे देख सकते हैं यहाँ पे सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन रिक्वायर्ड, तो इसका कह रहा है कि आप अपने यूपीआई पिन सेट करो। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देंगे तो एटीएम डेबिट कार्ड का फिर से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। लेकिन गाइस अगर आपके पास एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गाइस आपको एक यूपीआई मिल गया है, मतलब गाइस आपको एक यूपीआई आईडी मिल गया है, तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद गाइस अब आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन यूपीआई सेटिंग्स का, तो आपको इस पर क्लिक करना यूपीआई सेटिंग्स पे। तो जैसे आप ऐसे यूपीआई सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं मेरे यहाँ पे यूपीआई सेटिंग, हम जैसे क्लिक कर देंगे तो देख सकते मुझे यहाँ पे यूपीआई आईडी मिल चुका है, यहाँ पे सच्चे लाल यहाँ पे A1 यहाँ पे @YBL। अगर आप इस यूपीआई आईडी से पैसा अपने इस बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो गाइस आप इस यूपीआई आईडी की मदद से पैसा अपने इस बैंक अकाउंट में ले पाएंगे फोन पे की मदद से। तो गाइस आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी मिल जाएगा, उसके बाद में आपको सिंपली नीचे आना। नीचे आने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन हो रहा है क्यूआर कोड्स का, तो आपको इस पर क्लिक करना। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते आपको जो बैंक अकाउंट का यहाँ पे QR कोड भी यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो गाइस इस QR कोड की मदद से भी गाइस आप अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं, चाहे गाइस आपके पास ATM कार्ड हो या ना हो, आप इजीली पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं।
अब गाइस बात कर लें, अगर आपके पास एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है तो आप अपने बैंक अकाउंट को अपने फोन पे एप्लीकेशन में लिंक कर सकते हैं, आप पैसा ले सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप इधर से पैसा भेजेंगे तो आपको जो पैसा है इधर से ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि गाइस जब आप इधर से ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ पे यूपीआई पिन मांगेगा, वहाँ पे एटीएम कार्ड मांगेगा। केवल आप पैसा ले सकते हैं और पैसा आप इधर से ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो गाइस इस तरीके से गाइस आप बिना एटीएम डेबिट कार्ड के अपने फोन पे अकाउंट को बना सकते हैं, अपने फोन पे अकाउंट को चला सकते हैं। सो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों आप ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की अपडेट अब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।